सफलता जो दुनिया को दिखाई देती है और इसको पाने के लिए कड़ी मेहनत ज़रूरी होती है और कड़ी मेहनत के लिए अच्छे आहार की ज़रूरत होती है। अच्छा आहार ही शरीर को मेहनत करने के लिए ऊर्जा देता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देता है। आजकल का भोजन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी संपूर्ण पोषक तत्वों के लिए पूरा नहीं पड़ता, इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट विभिन्न तरह के पोषक तत्व यानी सप्लीमेंट्स लेने की सलाह देते हैं और ये ज़रूरी भी है। तो अब आपको आहार का महत्व समझ में आ गया होगा। प्रकृति में चाहे वो इंसान हो या पेड़ पौधे, सबको अच्छे आहार की ज़रूरत पड़ती है। वो कहावत तो सुनी होगी कि हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलता है, लेकिन इसके साथ एक और बात जोड़ना ज़रूरी है कि बस बीज बोने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए पौधे को अच्छा आहार और देखभाल की भी ज़रूरत होती है। इसीलिए पौधे को वो सभी जरूरी पोषक तत्व जो मिट्टी पूरा नहीं कर पाती है देने के लिए अतुल लिमिटेड लेकर आया है बायोपर्ल। अतुल लिमिटेड का बायोपर्ल जो एक फसल संवर्धक है, ये पैदावार को बढ़ाता है और फसल की गुणवत्ता में सुधार करता है। ये पौधे की बढ़वार स्थितियों जैसे कि शाखा वृद्धि, फूल लगने तथा फल बनने की अवस्था में महत्वपूर्ण कार्य निभाता है। यह लगातार बदलते मौसम में पौधे की मजबूती को बढ़ाता है तथा विभिन्न प्राकृतिक बदलावों जैसे कि गर्मी, सूखा तथा ओले जैसी परिस्थितियों में पौधे की क्षमता को विकसित करता है, रोग व कीटों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। मुख्य रूप से यह पौधे की कोशिकीय प्रणाली को सुदृढ़ करता है जिससे पौधे की भोजन बनाने एवं भोजन को पचाने की प्रक्रिया बेहतर होती है। फलस्वरूप पौधा अधिक विकसित, मजबूत एवं स्वस्थ होता है तथा पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है। आइए समझते हैं कि इसको कैसे उपयोग करना है। एक एकड़ खेत में 250 से 300 ml बायोपर्ल इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि स्प्रे करने के लिए 1 लीटर पानी में 1.5 से 2 ml बायोपर्ल का इस्तेमाल इन अवस्थाओं में कर सकते हैं। पहली, रोपाई अथवा बुआई से 25 से 30 दिन बाद की अवस्था में। दूसरी, फूल लगने की अवस्था में एवं तीसरी, फल लगने अथवा दाना बनने की अवस्था में। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बताई गई अवधि पर ही इस्तेमाल करें। किसी भी अन्य जानकारी के लिए अपने कृषि सलाहकार से संपर्क करें। अतुल लिमिटेड का बायोपर्ल, फसल चमके ऐसे मोती जैसे।